हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। कैसे आप लोग? आज हम आपको ईवीएस पढ़ा रहे हैं और उसमें भी लेसन 14 शुरू कर रहे हैं। फूड ईटिंग टू डाइजेशन, इसके मतलब वो खाना खाओ जो कि डाइजेस्ट हो सके। डाइजेस्ट हो सके माने अच्छी तरह पच सके। तो ऐसा खाना कौन सा होता है, इस किताब में यही लिखा है। ठीक है, तो ये भी हम आपको पढ़ के सुनाएंगे। अब इस लेसन में दो बच्चे, एक तो रोहित है और एक सौरभ है, दोनों के बारे में लिखा हुआ है कि जब लंच ब्रेक था तो रोहित खाना खा रहा था, खा जा रहा था, निगल रहा था, क्योंकि उसको खेलना था जैसे आप लोग करते हो, फूड को निगलते हो, चबाते नहीं हो लंच ब्रेक में, तो वो भी ऐसे ही कर रहा था। तो उससे रोहित ने कहा, जब वो चबा रहा था ऐसे ही निगल रहा था जैसे आप लोग स्वालो करते हो, तो उससे सौरभ ने कहा कि तुम खाना ऐसे खाओ जैसे कि चबा चबा के खाते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं, क्योंकि उससे खाना डाइजेस्ट होता है। और उसने कहा कि कल मैं गरम गरम आलू खा रहा था, आलू जो था मैं चबा नहीं रहा था, निगल रहा था, तो मेरी मम्मी ने कहा कि ये बहुत नुकसान करता है स्वालो करना। तो मैंने कहा कि स्वालो करने से ना जल्दी निगल लेते हैं। द टीचर हु वॉज स्टैंडिंग, टीचर उनके पास में खड़ी थी, उसने कहा कि अगर आप खाने को अच्छी तरह चबाओगे ना तो क्या होता है, आपने देखा होगा खाना जब हम खाते हैं तो लार निकलती है, खाने को देख करके मुंह से लार निकलती है और वो लार जो है ना खाने में मिल जाती है, जिससे कि खाना, जैसे आप देखो ना कोई चीज़ अगर पानी के साथ मिलाकर या दूध के साथ मिलाकर खाओ तो वो जल्दी लिक्विड बन जाती है ना, और लिक्विड बन जाने से वो जल्दी स्वालो होती है। इसका ये मतलब नहीं पूरा का पूरा खाना आप स्वालो कर लो, चबा के उसको स्वालो करना पड़ता है, जिसकी वजह से ग्लूकोज बनता है और हमारा जो खाना है वो जल्दी डाइजेस्ट होता है। ठीक है, इसमें यही है फर्स्ट वाले में। तो ड्यूरिंग द लंच ब्रेक रोहित वॉज क्विकली माने जल्दी से, क्विकली मीन्स जल्दी, क्विकली क्विकली का मतलब होता है क्विकली। क्विकली का मतलब होता है जल्दी। ठीक है, इन अ हरी जल्दी, इन अ हरी जल्दी। ठीक है, क्या कर रहा था, खाने को क्विकली स्वॉलोइंग, SWA स्वॉलोइंग, स्वॉलोइंग माने निगलना, स्वालो माने होता है निगलना और स्वॉलोइंग माने निगल रहा है, निगलना। ठीक है, बिना चबाए निगल लेना। इवन चुइंग, चुइंग माने चबाना। चुइंग मीन्स चबाना, जैसे चने चबाते हैं, है ना, चबाते हैं ना चने। When रोहित asked its reason, माने कारण,
रीजन मीन्स कारण। रोहित ने इसका कारण पूछा क्यों, तो उसने कहा, उसने तो नहीं बताया, जो टीचर थी उसने बताया प्रॉपरली ठीक तरह से, उचित रूप से। तुम लोग ठीक समझ लोगे, ठीक तरह से, ठीक है, हो गया। प्रोड्यूसेस, पहले आप इतना लिख लीजिए, प्रोड्यूसेस माने पैदा करना, प्रोड्यूसेस। उसके बाद में सलाइवा, सलाइवा कहते हैं लार को, सलाइवा कहते हैं लार को। एप्पल, ठीक हो गया। मॉइस्चर, गीला कर देना। गीला करना, गीला करना। ठीक है, फिर डाइजेशन सबसे ऊपर ही है, डाइजेशन पाचन, पच जाना, खाने का खाना पच जाना, पाचन। ये आपका ग्लॉसरी है फर्स्ट पार्ट की, फर्स्ट पार्ट की ग्लॉसरी है। सेकंड की हम फिर लिखाएंगे जब सेकंड पढ़ाएंगे। अब आप देखिए, व्हाई डू यू टेक योर फूड इन स्मॉल बाइट्स व्हाइल ईटिंग, ये क्वेश्चन है। इसका मतलब है कि, चलो पहले लिख लो फिर बताऊं, लिख लीजिए पहले। फिर मैं इसको रब करूं। हो गया। अब क्वेश्चन वन, फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन वन, ठीक है। क्या है क्वेश्चन? थिंक एंड आंसर। Think and answer. First question is, why do you take food? Why do you take?
food in small bites. While eating, जब खाना खाते हैं तो खाने को टुकड़ों में क्यों चबाते हैं? ठीक है, छोटे टुकड़ों में क्यों करते हैं? इसका आंसर क्या होगा बताइए? अभी हमने आपको बताया, इसलिए छोटे टुकड़ों में करते हैं जिससे कि इसको अच्छी तरह चबा सके, स्मॉल बाइट्स वाइल ईटिंग। इसलिए ये लिख लिया आप लोगों ने फर्स्ट वाला आंसर, इसको रब कर दूं? It produces
saliva which moistens food, which saliva converts starch into sugar. जो saliva है ना starch को चीनी में बदल देता है. Converts starch into sugar. Into sugar. सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है, इसको लिख लीजिए. इसके बाद है आंसर क्वेश्चन 3, ठीक है, कि मुंह से खाना कहाँ पहुंचता है. इसका हम सिर्फ आपको आंसर लिख देते हैं, क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा. आंसर 3, फ्रॉम माउथ फूड reaches to stomach. ये आंसर 3 है. ये क्वेश्चन हमने नहीं लिखा है क्योंकि आप लिख लेंगे. तो आप इसको लिख लीजिए, जल्दी से लिखिए. क्योंकि आपके हो गए हैं पूरा का पूरा, आपका ये आज का फर्स्ट पार्ट का बन गया है. इसको आप अपनी कॉपी में कर लीजिएगा और लर्न भी करिएगा, ठीक है. ओके, बाय, सी यू टुमारो.